हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है पापड़ को लेके। दोस्तों, जब हम पापड़ का इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ पापड़ हमारे पास इस तरीके से बच जाते हैं, अगर हम इनको ढंग से स्टोर ना करके रखें तो ये धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं और साथ साथ आपने देखा होगा कुछ ही दिनों में इसके अंदर जाले पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये खराब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इनको स्टोर करने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेना है आपने कोई भी ऑयल। आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पापड़ हैं उसके ऊपर आपने इस तरीके से आगे और पीछे दोनों साइड पे आपने पापड़ के ऊपर तेल की कोटिंग कर देनी है। इस तरीके से आप अपने सारे पापड़ के आगे पीछे तेल की कोटिंग को कर दें। इसके बाद आपने लेना है इस तरीके से कोई भी एयर टाइट कंटेनर और इसके अंदर आपने अपने सारे पापड़ को रख देना है। अगर आपके पास इस तरीके का कंटेनर नहीं है तो आप कोई भी जिपलॉक पाउच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने लेनी है 2-3 लाल मिर्ची और इसके ऊपर आपने इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद आप इसको बंद करके कहीं भी स्टोर करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पापड़ ना तो सूखेंगे और ना ही ये खराब होंगे और ना ही इनके अंदर कोई भी कीड़ा लगेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरह। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की क्लोथ क्लिप को लेकर, जिसका इस्तेमाल हम कपड़े सुखाने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन आज इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप ले लें क्लोथ क्लिप। किसी भी क्लोथ क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद आपको लेने हैं इस तरीके से 2 स्पून। अब हम क्या करेंगे, स्पून को लेकर और इस तरीके से हमने स्पून लेकर इसके दोनों साइड पे लगा लेना है और इसको सिक्योर करने के लिए हम लेंगे 2 रबड़ बैंड और इसको हम अच्छी तरीके से आगे और पीछे टाइटली फिक्स कर देंगे। अब ये हमारा एक टोंग बनकर तैयार हो गया। अब आप इसकी मदद से कोई भी सामान बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है नींबू के छिलकों को लेके। अक्सर क्या करते हैं, हम नींबू को यूज करने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं, तो आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, आप नींबू के छिलकों को छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लें। इवन नींबू के छिलकों को कट कर लिया है। अब हमें लेना है इस तरीके से एक ग्लास जार और उसके अंदर हम डाल देंगे 1 ग्लास पानी। उसके बाद ये जो आपने नींबू के छिलके कट किए हैं वो डाल दीजिए आप इस पानी के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2-3 लौंग और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। और इन सब चीजों को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपने हिला लेना है और हिलाने के बाद इसकी कैप बंद करके आपने इसको ओवरनाइट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। इससे क्या होगा, नींबू और लौंग का जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो सारा का सारा आपका पानी में आ जाएगा। इसके बाद आप इसको छान कर किसी बॉटल में डालकर रख लीजिए। ये आपका एक माउथ फ्रेशनर बनकर तैयार हो गया है। अब ये हमारा एक माउथ फ्रेशनर बनकर तैयार हो गया। अब आपको मार्केट से महंगे दामों पर माउथ फ्रेशनर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको एज ए माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके के प्लास्टिक के पॉलीथीन तो हमारे घर में आते हैं, तो आज इनका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप कोई भी प्लास्टिक पन्नी ले लें। अब सीजर की मदद से इसका ऊपर वाला हिस्सा मैं कट करके अलग कर दूंगी और इसको मैं 4 स्ट्रिप्स में इक्वल साइज़ में कट कर लूँगी। इसके बाद सीजर की मदद से इसके मैंने इस तरीके से पतले पतले स्टेप्स करने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये मैंने चारों के चारों स्टेप्स को इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम लेंगे कोई भी स्टिक और इसके ऊपर ये जो हमने स्ट्रिप कट करी हैं इसको लगा देंगे। इसको फिक्स करने के लिए आप किसी धागे का इस्तेमाल कर सकती हैं, ग्लू का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इसको टेप से फिक्स कर रही हूँ। इसके बाद जैसे मैंने एक लगाई है, इस तरीके से चारों स्ट्रिप्स हम लगा देंगे। ये हमारा प्लास्टिक मोप बनकर तैयार हो गया। इसकी मदद से आप घर में अपना झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग, कोई भी काम बहुत ही इजीली कर सकती हैं। इसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो क्लीन कर सकते हैं, अपने फ़ैन क्लीन कर सकते हैं, अपने फ्लावर्स क्लीन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने घर पर भी झाड़ू लगा सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है रिमोट को लेके। दोस्तों, रिमोट का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन आपने देखा ही है कि बच्चे इतने शरारती होते हैं, रिमोट सारा दिन अपने हाथ में ही रखते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, इसके साथ छेड़ाखानी करते रहते हैं। ये देखिए, मेरे बच्चों ने भी रिमोट का जो ये बटन है ऊपर वाला तोड़ दिया है। उसके कारण क्या दिक्कत आती है, बटन टूटने कारण इसके अंदर गैप आ जाता है, जिसके कारण इसके अंदर डस्ट चला जाता है और कुछ ही दिनों में इसका जो बटन है काम करना बंद कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है, आपने लेना है बिंदी। कई बार क्या होता है, कुछ बिंदी जो है हम यूज़ नहीं करते हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी यूज्ड वाली बिंदी लेनी है और उसके बाद जो भी आपका बटन टूटा हुआ है उसके ऊपर आपने इस तरीके से बिंदी को लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका वो जो खुला हुआ
हिस्सा है वो सारा बिंदी से कवर हो जाएगा, जिससे कि इसके अंदर कोई भी डस्ट नहीं जाएगी और आपका रिमोट कभी भी खराब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के वाइपर को लेकर, जिसका इस्तेमाल तो हम अक्सर अपने घर पे करते ही हैं, लेकिन कई बार आपने देखा है कि इसका ऊपर का हैंडल वाला हिस्सा लूज होने की वजह से बार बार इस तरीके से हमारा निकल जाता है, जिससे हमें झाड़ पोछा करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसका ये जो हिस्सा होता है ये लोहे का बड़ा नुकीला होता है, जो कि हमारे हाथ में भी लगने का डर रहता है। और कई बार जब हमें वाइपर को हैंग करना होता है तो हमें बड़ी दिक्कत आती है, जैसे ही हम इसमें हैंग करके रखते हैं तो ये निकल कर गिर जाता है। तो उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से कोई भी पॉलीथीन, और पॉलीथीन लेने के बाद आपने इस तरीके से थोड़ा सा गोलाई में कट कर लेना है। ये देखिए मैंने हिस्सा कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर हमने इस तरीके से पॉलीथीन को लगा देना है। इसको लगाने के बाद जब आप अपने इस वाली कैप को बंद करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो कैप है ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, पॉलीथीन की वजह से एकदम फिक्स हो जाएगी। और जब आप इसको निकालेंगे, ये देखिए मैं अब आपको निकाल के दिखा रही हूँ कितना जोर लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी इसमें से नहीं निकल रहा है। इस तरीके से जब आप पॉलीथीन की मदद से इसको टाइट करके रखेंगे ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और एकदम फिक्स हो जाएगा, जिससे कि आपको झाड़ू पोछा लगाने में बहुत ही आसानी होगी और इसको हैंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल को लेके। आज इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, किसी नाइफ की मदद से आपने इसके ऊपर वाले हिस्से को कट कर देना है। ये देखिए मैंने ये हिस्सा कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद आपने लेनी है एक स्टिक और साथ में घर पे पड़ा हुआ कोई भी आप ले सकते हैं कपड़ा, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे आपकी बनियान हो, या बेकार कपड़ा जिसको कि आप यूज नहीं करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से फैला देना है और ये जो हमारी जो स्टिक ली है इस स्टिक के अंदर हमने इस कपड़े को इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बोतल कट करी है इसके अंदर हमने इस कपड़े समेत स्टिक को डाल देना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्टिक ऐसी होनी चाहिए, आपके बोतल के मुँह से छोटी होनी चाहिए ताकि वो इसके अंदर जा सके। ये कपड़ा डालने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कपड़ा डाला है इसको हम इस तरीके से पलटा देंगे। अभी दोस्तों हमारा बहुत ही बढ़िया एक मोप बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ लेडीज के बैक में पेन होता है या कुछ लेडीज जमीन पे बैठकर पोछा नहीं लगा सकती हैं, तो हमने ये जो मोप बनाकर तैयार किया है इसकी मदद से आप खड़े खड़े पोछा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही इजीली इससे पोछा लग जाता है बिना किसी मेहनत के। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से बिना बैठे खड़े खड़े ही पोछा लगा सकती हैं और ये बहुत ही आसानी से आपके फर्श को क्लीन भी कर देता है। चलिए मैं आपको पानी भी डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पानी डाला है, अब इसकी मदद से आप देख सकती हैं मेरा पानी एकदम सूख चुका है। कितनी आसानी से इस मोप ने हमारे पानी को सुखा दिया है। जमीन पे नहीं पोछा लगा सकती, इसकी मदद से आप डस्टिंग का भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं। आप अपने किसी फोटो फ्रेम को क्लीन कर सकती हैं, आप अपने पंखे को क्लीन कर सकती हैं, या जहाँ भी आपका हाथ नहीं जाता वहाँ पर आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से उस स्पेस को क्लीन कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।